हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के बारे में बताने जा रहा हूं सभी को इंतज़ार था पैंसठवीं यू पी की नोटिफिकेशन कब आएगा फॉर्म कब से शुरू होगा तो आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है ये फॉर्म 10 जुलाई से रजिस्ट्रेशन कर कर सकते हैं आप ठीक है दस जुलाई से चौबीस तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तीस तक आप फी जमा कर सकते हैं अंतिम रूप से फॉर्म आप छः तक जमा कर सकते हैं ठीक है तो रजिस्ट्रेशन के बाद अब अगली तिथि प्रवाह ग्यारह बजे के बाद ना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं फिर करा जिस तिथि को ऑनलाइन भुगतान किया गया उसके अगले तिथि को आप ग्यारह बजे के बाद से आवेदन को शुरू कर सकते हैं यानी कि फॉर्म को भरने के लिए आप यदि शुरू करते हैं तो तीन दिनों का समय लगेगा ठीक है तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो फॉर्म भरने में देर मत कीजिए फॉर्म शुरू से ही भरना शुरू कीजिए लास्ट समय का इंतज़ार ना कीजिए नहीं तो छूट जाता है पिछली बार मेरा भी छूट गया था भर नहीं पाए थे ठीक है इसलिए ठीक है सिलेबस फ़िलहाल अभी तक अपलोड नहीं किया गया है न्यू सिलेबस जो लगभग सी के समकक्ष होगा वो अभी अपलोड नहीं किया गया है जब न्यूज़ पेपर आएगा तो मैं उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा कुछ और आप देख सकते हैं शुरू में फी वगैरह कितना लग रहा है वो शायद इस नोटिफिकेशन में नहीं है होगा कहीं पे फिलहाल तो ध्यान नहीं है कि कहाँ दिए हुए है ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए छः सौ रुपया लग रहा है और एस टी एस सी हाँ यहाँ पे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए छः सौ रुपया लग रहा है और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए डेढ़ सौ रुपया लग रहा है यदि दूसरे राज्य के भी अनुसूचित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होंगे तो उनके लिए भी वही जनरल कैटेगरी का लगेगा बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी अनारक्षित और अच्छी महिला के लिए डेढ़ सौ रुपया ही लग रहा है ठीक है दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए भी डेढ़ सौ रुपया लग रहा है अन्य सभी छह सौ रुपया द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा जो ड्राफ्ट्स बनाना होगा या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन भुगतान से जो कटेगा टैक्स जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा ठीक है यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कर है, वैसे सभी कोटि के दिव्यांग जाति अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाली अभ्यर्थी जो दिव्यांग दिव्यांगता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थियों द्वारा दिव्यांगता से तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वार्थी द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियाती परीक्षा शुल्क के आधार पर अनहरित किया जा सकता है ठीक है दिव्यांग अभ्यर्थी व अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क समान अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिंदु पर उनकी अभ्यर्थता सुरक्षित रहेगी इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं अब देखिए यहाँ पे कुछ है प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी जिसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राकृतिक कि बहु बहुविकल्पीय होंगे परीक्षा की अवधि दो घंटों की होगी और कुल डेढ़ सौ अंक होंगे यानी प्रीलिम्स में जो होगा डेढ़ सौ अंक का होगा ठीक है प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक का उत्तर आप चयन कर सकते हैं आगे है चलिए बाकी आप डिटेल से देखते रहिएगा फिलहाल इस जानकारी के साथ आज इतना ही